कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए नीट परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे सहित शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रद्युमन कुमार लालू दुबे के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्टेशन रोड कार्यालय में एकत्र हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नीट परीक्षा को रद्द करने आदि मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही इस पर अनियमितताएं जाहिर हुई। पेपर लीक का आरोप भी अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया। परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां, कदाचार और अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और हरियाणा में नीट परीक्षा से संबंधित भ्रष्टाचार के कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, जिसमें पूरी परीक्षा भी दोषपूर्ण की आशंका से ग्रसित हुई गई। कहा गया है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार के कारण लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। अभिभावकों के लाखों रुपए बर्बाद हुए हैं, जिस कारण कई छात्र अवसाद में हैं और कईयों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। चूंकि नीट मेडिकल की परीक्षा है, जिससे ईश्वर का स्वरूप चिकित्सक का निर्माण होता है, ऐसी परीक्षाओं में कदाचार और भ्रष्टाचार से आए हुए चिकित्सक भविष्य में आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि परीक्षा को रद्द करते हुए एनटीए से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी यह भी मांग करती है कि युवाओं के भविष्य को रौंदने का प्रयास करने वाले शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इन सभी धांधलियों की जिम्मेदारी लेते हुए माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे। इस मौके पर शहर अध्यक्ष श्रीमती अफशाना शाह, अखिलेश शुक्ला, बीलाल, सूरज वाजपेयी, रमेश चंद्र कोरी, केशव पाल, अनमोल जोड़िया, समाज सेवी नेता जितेंद्र गौरव, संतोष कुमार द्विवेदी, आकाश दीक्षित, सीताराम कमोडो, के पी सेन, अशोक वर्धन कर्ण, बलदेव वर्मा, भूपेंद्र शुक्ला, सत्य प्रकाश द्विवेदी, पवन देवी कौरी, वैश्व राजेश कुमार गुप्ता, पप्पू प्रेमचंद भाई, रमेश गुप्ता, शशिकला देवी, अनीता देवी, सब्बीर सौदागर, पप्पू रम्मा, नाथुनाराम सेन, सुरेश धूरिया आदि कई कांग्रेसजन उपस्थित रहे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अफशाना शाह है, मैं शहर कमेटी की अध्यक्ष हूँ। किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया आपने? जो नीट पेपर लीक हुआ है उसी को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं, इसलिए कि ये भाजपाई सरकार जो हमारे नौजवानों के ऊपर, पढ़े लिखे छात्राओं के ऊपर गेम खेल रही है, या जो है उनका मतलब वो भविष्य अंधकार में डाल रही है। वो तो ये चाह रही है, अपने मुद्दे पे कही चुकी है कि मैं जो है युवाओं से ब्रेड पकौड़े तलवाऊंगा। तो ये माइंड में रखते हुए वो ये सारा मतलब अपने सरकार में ये सारे हथकंडे अपना रही है, और उन वो माँ बाप अपनी सारी दौलत लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये बच्चा ये पेड़ है, ये जवान होकर बुढ़ापे के लिए अपनी एक भी पूंजी नहीं बचा करके रखते कि ये बड़ा होकर सर्विस करेगा तो ये हमारी जो है पेड़ बन करके एक छाया देगा, हमको सेवा करेगा, हमारे पास कुछ बचे या ना बचे। और हम ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और ये पेपर, ये जो भ्रष्टाचार फैला है इसे रद्द किया जाए, सीबीआई जांच। ज्ञापन दिया है आपने? आज हमने दिया तो है डीएम साहब को माध्यम से, राष्ट्रपति महोदय जी को। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैश्य राजेश कुमार गुप्ता, पप्पू, कांग्रेस महासचिव। अच्छा ये बताइए किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आप लोगों ने? ये जो भी आज से उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार, आताताई सरकार, 8 सालों में इन्होंने जितने भी पेपर कराए हैं और पेपर हो नहीं पाए, लीक हो गए, नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जिलाधिकारी के हम लोगों ने मांग किया कि सरकार की तानाशाही में जितने भी पेपर हुए हैं इन पेपरों को रद्द किया जाए। जो हमारे नौजवानों का भविष्य का पैसा लगा हुआ है उसको वापस किया जाए, सीबीआई की जांच कराई जाए और दंडित अधिकारियों के साथ सजा दिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। यही कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं होगी तो इंकलाब हो जाएगा।